अल्लाह का शुक्र है इस प्लेटफॉर्म से किताब सुन्नत की आवाज बुलंद हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपके बाबों को बिल्कुल नहीं मानते इसलिए कि आप भी दूसरों के बाबों को नहीं मानते। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बातें सुनते हैं कि खाना काबा में हुई, इस रवायत के बारे में बताएं कि यह रवायत सही है या गलत। यह रवायत अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है। इमाम हाकिम ने तो दावा किया है इस रवायत का कि यह सही है, लेकिन यह रवायत बहुत कमजोर है। इवन मौलाना इसहाक साहब रहिमहुल्लाह ताला, जो अहल सुन्नत और अहल तशय्यो दोनों के यहाँ एक अथॉरिटी माने जाते हैं, और मेरे उनके साथ 40 क्वेश्चन भी रिकॉर्डेड हैं जो मैंने उनसे 1-to-1 किए थे, 40 क्वेश्चन विद मौलाना इसहाक ऑन 23rd of March 2012, वो आप यूट्यूब पे लाखों लोग देख चुके हैं। सैयदना अली के सपाई थे इस रुयर्स के ऊपर, नासबियत के खिलाफ उन्होंने अलम बुलंद किया, उनसे भी ये सवाल हुआ था, तो उन्होंने भी ये माना था कि ये रवायत कमजोर है। और उन्होंने बड़ी टेक्निकल बात की थी कि काबे के अंदर पैदाइश होना ये हजरत अली के लिए फजीलत नहीं है, ये काबे के लिए फजीलत है। ज़ाहिर है अबू दाऊद तिर्मिज़ी में यह हदीस मौजूद है कि ऐ काबा तेरी हुरमत अल्लाह के नजदीक है, लेकिन एक मुसलमान के दिल को दुखाना अल्लाह के नजदीक इससे बड़ा गुनाह है कि कोई शख्स काबे की ईंट से ईंट बजा दे। काबे की हुरमत एक मुसलमान के दिल की हुरमत से ज्यादा है। अगर सपोज हजरत अली अलैहिस्सलाम काबे में पैदा भी हुए हों, ये हजरत अली की कोई फजीलत नहीं है, काबे की फजीलत हो सकती है, तो ये साबित कोई नहीं है। क्योंकि अगर ये फजीलत इस एतबार से होती तो पैगंबर भी काबे में पैदा होते, नबी अलैहिस्सलाम तो अपने घर पैदा हुए हैं, ठीक है ना। तो ये अगर कोई इसको कोई ये आजकल भी वो मौलूद काबा कॉन्फ्रेंसिस करवा रहे होते हैं हमारे बरेलवी भी और शिया भी, हजरत अली अलैहिस्सलाम की फजीलत के लिए मैं समझता हूँ ये हदीस काफी नहीं है जो सही मुस्लिम में 240 है कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुक्स नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। मोहब्बत अली इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान। फिर जो हदीस मुतवातिर है सही मुस्लिम में, तिर्मिज़ी में, सुन्न सहील कुबरा में, कि आप सल्लम ने गदीर खुम पे कहा था मन कुंतु मौलाहू फहाज़ा अलीयुन मौलाहू, जिसका मौला मैं उसका मौला अली। ये इतनी हदीसें मौजूद हैं कि हम इस तरह की जाली रवायतों का सहारा रहें वैसे करने की फजीलत के ऊपर, इतनी हदीसें मौजूद हैं मुस्लिम शरीफ में 4, लेकिन आपने जरूर वो दांत तोड़ने वाला झूठा वाकया घड़ा हुआ बयान करना है। वो जी केला जो है वो हजरत वैसे करने के लिए उतरा, वो केला अल्लाह के बंदो पहले तो मौजूद है, किसी गोरे ने सुना देना इस्लाम ही बदनाम होएगा। और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उलमा उर्दू में लेक्चर देते हैं, अगर ये अंग्रेजी में हो ना तो गोरे इस्लाम कबूल करना ही छोड़ देंगे, इतनी फरसूदा ये बातें करते हैं। केला जी वैसे करनी ऐसे नाजुल वैसी, केला तो भाई पहले से मौजूद है दुनिया में, ठीक है ना, तो वैसे करने के लिए नहीं केला नाजुल हुआ, अल्लाह माफी दे। नबी इस्लाम मतलब दुनिया से तशरीफ ले गए और वो मुलाकात नहीं कर सके, वो सहाबी नहीं है, वो ताबई हैं, खैरुत ताबईन में से हैं, जंगे सिफीन में हजरत अली की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, हजरत अली की बैत की है वैसे करनी ने बकायदा, ठीक है। और मैं इसमें वो मेरा वैसे करनी वाला वाकया ये जो अक्सर पेश कर रहे होते हैं ना अहले तशय्यो भी मातम के सबूत में वो वैसे करनी के दांत तोड़ने वाला वाकया लेके आते हैं जो है ही जाली है, तो मैं उनको फिर इल्मुल कलाम से जवाब देता हूँ कि भाई मौला अली अलैहिस्सलाम सही मुस्लिम में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम के जब दांत शहीद हुए तो साल बिन साद असादी कहते हैं कि खून नहीं रुकता था, तो सईदा फातिमा ने कॉटन का कपड़ा जला के वहां रखा खून रोकने के लिए, और सैयदना अली ने अपने हाथों से नबी अलैहिस्सलाम का जख्म धोया। तो मैंने कहा कि मौला अली और सैयदा फातिमा के सामने हुजूर के दांत टूटे और उन्होंने मरम पट्टी की है, उन्होंने तो अपने दांत कोई नहीं तोड़े, दसो मौला अली वड्डे आशिक नहीं या वैसे करनी, फौरन खामोशी हो जाती है। मौला अली से बड़ा तो कोई आशिक रसूल नहीं है। सैयदना अली की इस्लाम के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है, घंटों बोला जा सकता है इसके ऊपर, मेरी कई एक वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ इमाम अहमद बिन हंबल का कौल है कि हम तक जितनी भी हदीसें नबी अलैहिस्सलाम की पहुंची हैं किसी भी शख्सियत की शान में इतनी हदीसें नहीं हैं जितनी मौला अली की शान में। सही मुस्लिम में हदीस है अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, उससे भी बड़ी बात। सहाबा कहते हैं मैं पूरी रात नींद नहीं आई कि वो खुश नसीब कौन है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने खैबर के मौका पर सुबह के वक्त पूछा अली इब्न अबी तालिब को बुलाओ, उनको अशोबे चश्म था। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक लुआब उनकी आंखों में लगाया, शफा हुई, अपने मुबारक हाथों से ज़िरा बांध के रवाना किया। कई हफ्तों से जो खैबर की फतह नहीं हो रही थी अल्लाह ताला ने मौला अली के हाथों मुसलमानों को फतह दी और मरहब का भी कत्ल हुआ। सही मुस्लिम में डिटेल हदीस आती है कि मरहब को कत्ल किया और वो बहुत बड़ा जंगजू था, उसके मुकाबले पे कोई नहीं आता था। फिर गज़वा खंदक के मौका पे भी आपको पता है, यानी पूरी जिंदगी
उनके बचपने से लेके शहादत तक इस्लाम के लिए कुर्बानियां कुर्बानियां, ना खत्म होने वाला टॉपिक है। तो अल्लाह ताला मौला अली रज़ी अल्लाह ताला पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, और उन्होंने इस्लाम की खातिर जो कुछ कंट्रीब्यूट किया है अल्लाह तबारक व ताला इसका बेहतर नेमुल बदल उनको अता फरमाए, यकीनन मिलने वाला है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, हसन व हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और सुन्न इब्ने माजा में हदीस है, हसन व हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, व अबूहुमा खैरुहुमा, और उनके वालिद उनसे भी बेहतर हैं। तो ये अल्लाह ताला ने फजाइल अता फरमाए। ये झगड़ा ही नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को इख्तियार है या नहीं। मौला अली को अल्लाह ने इख्तियार भी दिया हो तब भी मौला अली को आप पुकार नहीं सकते मदद के लिए, क्योंकि मौला अली भी अल्लाह को पुकारते थे, और मौला अली का मानने वाला भी। मौला अली का सही शिया कौन होगा? जो अल्लाह को पुकारे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है। मौला अली के नाम के ऊपर इस तरीके से जो ये शिर्क खड़ा कर रहे हैं, और अहले बैत के नाम के ऊपर कैटेगोरिकली कुरान हकीम में दो दफा मेंशन हुआ है, सूरह नसा नंबर 48 और 116 में, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह इस गुनाह को तो कभी माफ नहीं करेगा कि कोई शख्स क्यामत वाले दिन शिर्क के साथ अल्लाह के सामने पेश हुआ। इसके अलावा जितने गुनाह है जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा, शिर्क नहीं माफ करेगा, ना चाहेगा कि शिर्क माफ करे। ये भी ज़हन में रखिए, वमन युशरक बिल्लाह फकद दल्ला दलालन बईदा, जो शिर्क में पड़ा वो गुमराही में दूर जाके गिर पड़ा। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला सफाई पेश कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि लकद कफर अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक वो काफिर हैं, कट्टर काफिर, खुले काफिर हैं, जो कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, जबकि मसीह तो कहा करते थे, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ए याकूब की औलाद अलैहिस्सलाम, उबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, इबादत करो उस रब की जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, बेशक जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसका ठिकाना है जहन्नुम, वहां उसका कोई मददगार नहीं होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह ताला हज़रत ईसा की सफाई दे रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो तौहीद की था, ये हज़रत ईसा का खुतबा है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हर नबी को एक मकबूल दुआ दी थी जो इसने इस दुनिया में ही कर ली, मैंने अपनी दुआ छुपा के रख ली है क़यामत के दिन के लिए, मैं इस दुआ की बरकत से अपने उम्मतियों की शफात करूंगा और मेरी शफात से मेरे हर उम्मती को नफा पहुंचेगा, सवाए उस शख्स के जिसने अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क किया हुआ। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। शिर्क अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। और शिर्क की बुनियादी तारीफ क्या है? शिर्क किसे कहते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह इबादत भी सिर्फ तेरी करेंगे, दुआ भी सिर्फ तुझी से मांगेंगे, और किसी को दुआ के लिए नहीं पुकारेंगे। जाहिर इस बाब में तो आप जो मर्जी करें, किसी को पानी पिला दें, किसी का वजन उठवा दें, वो तो ठीक है, वो तो कुरान में हुक्म है, व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक्वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराइयों में एक दूसरे से अलग रहो। लेकिन जो गायब में मदद के लिए पुकारना है, दुआ करना है, वो अल्लाह ताला के साथ खास है। हत्ता कि इसका क्लाइमेक्स वो सूरह नमल की आयत है, अम्मन युजीबुल मुद्दर्र इज़ा दआह, भला बताओ तो कौन है जो इज़्तिराब में घिरे हुए शख्स की दुआ को सुनता है, व यक्शिफुस्सू, और उससे बुराई को दूर कर देता है, व यजअलुकुम खुलफाल अर्द, और जमीन पर तुम्हें अगलों का खलीफा करता है, तुम मर जाते हो, तुम्हारी औलाद, वो मर जाएगी उसकी औलाद, ये कौन बसार है? इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इला भी है? कलील मा तज़क्करून, बहुत कम लोग ही नसीहत हासिल करते हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि भला बताओ कौन है जो दुआ सुने और तकलीफ दूर कर दे, क्या अल्लाह के साथ और इला भी है जो ये काम कर सके? यानी जिससे आपने मदद मांगी कि वो मेरी तकलीफ दूर करे दुआ के तौर पर, जाहिर इस बाब तो कुरान में हुक्म है दुआ के तौर। एक तो है मैं कहता हूं मुझे पानी पिला दे, ठीक है, लेकिन आप बगदाद में दफन है और मैं यहां से बैठ के कहता हूं मुझे पानी पिला दे, ये शिर्क है। पहले तो एक टिकट में दो दो मजे करते रहे ना, जैसे मजारात पे जो कुछ शिर्क हो रहा है ना, उलमा मुखालफत तो करते हैं उसी मकबे फिक्र के, लेकिन साथ मजे भी ले रहे होते हैं कि चलो यार हमारे ठीक है, बात तो है ना। यही शिया के उलमा ने मुजरमाना गफलत की, वो मानते तो थे कि ये शिर्क कर रहे हैं जाकिरीन, लेकिन वो एक टिकट में दो मजे करते हैं, उनका चलो हमारी पब्लिक तो जुड़ी हुई है ना,
लेकिन अब उनको अंदाजा हुआ कि नहीं यार काम टप गया, ये तो मामला हमारे हाथ से निकल गया। अब उनको होश आई है तो जगह जगह कॉन्फ्रेंसिस हो रही हैं। जवाद नकवी साहब का भी क्लिप आ गया है, साकिब अकबर साहब का भी क्लिप आ गया है, हैदर नकवी साहब का भी क्लिप आ गया, बाकी उलमा का भी, और बड़े गुस्से से भरे हुए हैं वो, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया कि मामला हमसे बिगड़ गए। अब यूट्यूब के ऊपर जाके देखें नुसैरिया के बारे में उनके क्लिप, और फिर बल्कि जवाद नकवी साहब ने तो बड़ी बोल्ड बात की, उन्होंने कहा यही बातें हैं जिसकी वजह से फिर लोग शिया काफिर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, ये तुम लोगों ने ये कुफर करके उनको मजबूर किया। बिल्कुल ठीक। वैसे जो शिया काफिर के नारे लगा रहे हैं ना, मैं तो उनके हक में नहीं हूं, क्योंकि उनके अपने बुजुर्गों ने भी यही काम डाले हुए हैं, उनको तो हक ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक मामला अलग है, वो आप मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप देख लें, शिया का कलमा का सबूत। तो मैंने बताया कि शिया तो फिर भी अली वलीउल्लाह कहते हैं ना, अली नबीउल्लाह नहीं कहते हैं, और दूसरे फिरके जो उनके खिलाफ खड़े हैं उन्होंने, उनके मौलवियों ने तो अपने नामों के कलमे पढ़वाए हुए हैं नबी के नाम के साथ। अली वलीउल्लाह अगर कोई कहता है तो अली वलीउल्लाह से हमें कोई चिढ़ नहीं है, कलमे के साथ ऐड ना करें। अली भी वलीउल्लाह हैं, अबू बकर भी वलीउल्लाह हैं, उमर भी वलीउल्लाह हैं, उस्मान भी वलीउल्लाह हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिम अस्सलाम अजमईन। हाँ, अली को कोई नबी मान ले या अली को कोई रब मान ले तो वो पक्का काफिर है। तो वो वाले मामलात एक अलग से, और यहाँ पे अहले सुन्नत की भी जिम्मेदारी है कि इनके अंदर जो गाली सूफी हैं और वो इस किस्म के नारे लगवा रहे हैं, और वो जिक्र खफी की बुनियाद के ऊपर वो जिस तरीके से यानी हुलूलियत का और वादतुल वजूद की एक बिगड़ी हुई शक्ल मानते हुए अजीब व गरीब किस्म के यानी, और यहाँ पे भी एक इस तरह का एक तबका था, मैं ऑन एयर उनका नाम नहीं लेता क्योंकि वो फिर एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बन जाएगा। बहरहाल ओवरऑल बरेलवी उलमा ने खुद यानी उस एक खास तबके को अपने मकतब फिक्र से फतवे लगा के बाहर निकाल दिया, कुफर के फतवे उनके ऊपर लगाए, इसी वजह से कि वो इस तरह का शिर्क यानी नंगा शिर्क करना शुरू हो गए थे। लेकिन शिर्क चाहे नंगा हो या छुपा हुआ हो, दोनों ही शिर्क मना है। इबादत की हर शक्ल अल्लाह के अलावा किसी और के लिए मना है, और उसकी आला तरीन शक्ल व इय्याका नस्ताईन, ये तो खास अल्लाह के साथ है, इसलिए अल्लाह ने इसे स्पेशली जिक्र किया है कि इबादत भी अल्लाह की और दुआ भी अल्लाह से। हालांकि दुआ खुद से इबादत थी, अलग से जिक्र की जरूरत ही नहीं, लेकिन अल्लाह को पता था ज्यादा शिर्क किसी में होना है। इस उम्मत में शिर्क फी सिफात वाला जो मामला है ना, उसमें बड़ा शिर्क यही वाला हुआ है, फी जात तो बहुत कम शिर्क है। यानी हमारे यहां ये चंद गाली नुसैरिया हैं, कुछ गाली सूफी हैं जो जात में शिर्क करें, वरना ओवरऑल सब अल्लाह को एक ही मानते हैं। सिफात में जो शिर्क आया ना, गैरुल्लाह को इस्तानत के लिए इस्तगासे करना, ये बड़ा खतरनाक मामला। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप अगर पॉजिटिवली दावत पेश करें तो बड़े इफेक्ट इसके निकलते हैं। ये कोई 2010 या 11 की बात है, मैं इस्लामाबाद में I-10 में एक अहले तशय्यो भाई थे, उन्होंने मुझे यानी इफ्तार के ऊपर बुलाया, रमजान का ही महीना था, कुछ 7-8 उनके भाई बैठे हुए थे, वो खुद भी बहुत बड़े आलम दीन है, मैं नाम नहीं लेता, फिर वो एक पर्सनल बात हो जाएगी। तो वहां पे बैठे हुए ना, यही इस्तानत का मसला छिड़ गया। मैंने कहा या अली मदद ना करें, आप वैसे मौला अली से मोहब्बत का इजहार करें लेकिन मदद के लिए ना पुकारें। तो वो कहने लगे नहीं, हम तो उनको वसीला और तवस्सुल समझते हैं, अल्लाह ही को पुकारते हैं हम, लेकिन या अली मदद का मतलब आपको समझ नहीं आया। मैंने कहा यार मुझे उर्दू नहीं आती है, मुझे अरबी नहीं आती है। वो कहते हैं या अली मदद का मतलब ये होता है कि ऐ अल्लाह हमारी मदद कर अली के वसीले से। मैंने कहा ये तो नहीं है, उसके लिए तो यही जुमला बोला जाएगा जो आप बोल रहे हैं, आप तो डायरेक्ट ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या अहले सुन्नत के यहाँ लोग या शेख अब्दुल कादर जिलानी अल मदद कह रहे होते हैं, तो ये तो मना है। फिर वो खैर खुद थोड़ा खुल के सामने है, वो कहने लगे देखे नहीं कुरान में भी तो आया ना, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, सबर और नमाज के जरिए मदद चाहो। मैंने कहा आगे भी पढ़ो ना, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है? कहते हैं देखे नहीं सबर और नमाज भी तो गैरुल्लाह है। तो मैंने कहा अगर सबर और नमाज गैरुल्लाह और इसकी मदद मांगी जा रही है तो फिर आप सुबह शाम कहते हैं अल मदद या नमाज, अल मदद या सबर, मेरी मदद फरमाइए। कहते नहीं। तो मैंने कहा क्या मतलब हुआ इसका? फिर कहता इसका मतलब है आप नमाज पढ़ो तो अल्लाह की मदद आ जाएगी। मैंने कहा हाँ यही मतलब है ना, तो मौला अली की सुन्नत पे चलो, मौला अली के तरीके के ऊपर चलो तो अल्लाह की मदद आ जाएगी। मौला अली को तो ना पुकारो, कोई कहता है अल मदद या नमाज, अल मदद या सबर। अच्छा फिर कहते हैं जी हाँ ये तो बात समझ आ गई, बताएं मुमानियत कहां है। फिर मैंने सूरह नमल की आयत पढ़ी, अम मन युजीबुल मुत्तर इदा दुआ व यक्षिफुस सु व यजअलुकुम खुलफाल अर्द अइलाहुम मा अल्लाह क़लीलम मा तज़क्करून। मैंने कहा इस आयत में वाज़ह आया कि जो अल्लाह के अलावा किसी और को दुआ के लिए पुकारना समझता है ना, वो उसे खुदा बनाए हुए है, माबूद बनाए हुए है। क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिससे दुआ मांगो। मैंने कहा ये वाज़ह सबूत है कि ये शिर्क है।
अच्छा वो आए माए शाएं करना शुरू हो गए, लेकिन वहां जितने 7-8 शिया भाई बाकी बैठे थे ना, मैंने कुरान भी उन्हीं का मंगवाया। मैंने कहा जी मुझे बताएं, उनका नहीं जी इंजीनियर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, जो दलायल है ना वो यही कुरान की आयत तो यही बताती। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग दावत कबूल कर लेते हैं।